हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा और ये जाना कि सेल थ्योरी के मेन फीचर्स क्या हैं इस लेक्चर में हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे जो या तो एक सेल्स के बने होते हैं या एक से अधिक सेल से बने होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या उसको हिंदी में एक कोशिकीय कहते हैं और जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और हिंदी में उसको बहु कोशिकीय कहते हैं तो सेल्स

उसी तरह से अदर लिविंग थिंग्स सच एज ट्रीज़ और बटरफ्लाइज हैव मेनी सेल्स दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ का दिया हुआ है बटरफ्लाइज़ का दिया हुआ है ऐसे जितने भी हम लोग कह सकते हैं ऑल ट्रीज एंड एनिमल्स मतलब आ, सारे एनिमल्स नहीं उसमें तो यूनीलुलर एनिमल भी आ जाएंगे जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए और जितने भी आप देख रहे हैं बड़े ऑर्गेनिज्म वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं होते हैं और सेल्स हाउ स्मॉल तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये क्या है किसका नाम है एक बैक्टीरिया का नाम है पैरासिटिक बैक्टीरियम

डिस्पोजल ऑर्गेंस होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि वेस्ट डिस्पोजल ऑर्गेंस जैसे हम लोग को यूरिनरी ट्रैक बोल सकते हैं ये सब जगह पर इनका ग्रोथ होता है ये वहीं ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन नेचर इज़ एन ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच बर्ड है और उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ये हमेशा ध्यान देना है लार्जेस्ट मतलब बड़ा लॉन्गेस्ट मतलब लंबा तो सबसे बड़ा जो सेल uh, है लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है और सबसे लंबा सेल जो है वो है नर्व सेल्स द लॉन्गेस्ट ऑफ नर्व सेल्स इन एनी स्पीसीज आर बी फाउंड इन दलोसलटेड टू बी ओवर टेन मीटर्स इन लेंथ ठीक है? जिसकी लंबाई जो है, वो meters की होती है ठीक है अब यहाँ पर एक शॉर्ट नोट uh, दिया गया है डिड यू नो द लार्जेस्ट सेल इन द्यूमन बॉडी इज द ओव और एग्सल ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है वो फीमेल में होता है एक सेल होता है जो कि वन एम एम इन डायमीटर एंड जस्ट विजिबल टू दिकेडाई ठीक है एंड द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्पॉम जो कि मेल में होता है और ये जर्म सेल है दोनों जर्म सेल हैं वो फीमेल जर्म सेल हैं और ये मेल जर्म सेल है इसको स्पॉम कहा जाता है मेल जर्म सेल को और ये स्मॉलेस्ट सेल होता है ठीक है सिक्सटी माइक्रोमीटर और जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इंच इन लेंथ एंड नॉट विजिबल टू नेकेड आई ओवम को नेकेड आई से देखा जा सकता है लेकिन इस फॉर्म को आई से नहीं देखा जा सकता है द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरोन जो कि नर्व सेल है विच कैन बी ओवर मीटर लॉन्ग ठीक है ये क्या है जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है तो ये सब कुछ आपका नोट्स है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है और ये डिफरेंसेस भी कि अब जनरली इसमें बताया गया अभी हम बता रहे हैं आपको कि लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर इसमें आ गया कि द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ठीक है तो दोनों में डिफरेंस हो गया ये आपका कॉमन है कि द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन नेचर ऑस्ट्रिच एग लेकिन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम और एग सेल है तो ये ध्यान देना है ठीक है चलिए थैंक यू